नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार मांगड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपकी फरमाइश। हाँ दोस्तों, मैं आज आप लोगों की एक फरमाइश पूरी करने जा रहा हूं। तो किसी ने मुझे मेल करके पूछा था कि बताइए कि भूख ना लगने के कुछ कारण बताइए और उनका घरेलू उपाय बताइए। तो मैं आपको बताऊँगा कुछ घरेलू उपाय। दोस्तों ये एकदम आम समस्या है, तो जो है अधिकांश लोगों जो है बेवजह भी खा लेते हैं। आइए मैं कुछ कारण बताता हूँ। इस रोग में रोगी को भूख नहीं लगती है। यदि जबरदस्ती भोजन किया भी जाए तो वह अरुचिकर लगता है। रोगी 1 से 2 ग्रास ही खा पाता है। उसे बिना कुछ खाए पिए खट्टी डकार आने लगती है। इस तरह भूख ना लगने को अरुचि भी कहते हैं। आमाशय या पाचन तंत्र में कमी होने के कारण भूख लगनी कम हो जाती है। ऐसे में यदि कुछ दिनों तक इस बात पर ध्यान न दिया जाए तो भूख लगती नहीं, बिल्कुल ही बंद हो जाती है। अधिक चिंता, क्रोध, भय और घबराहट के कारण भी यकृत के खराबी के कारण भी भूख नहीं लगती है। कुछ उपाय मैं बता रहा हूँ दोस्तों। गेहूं के चोकर, हाँ दोस्तों ये देखिए मेरे पास गेहूं का चोकर है, तो गेहूं का चोकर लो और इसमें सेंधा नमक मिलाओ। ये देखिए सेंधा नमक है, इसको मिलाना है और साथ में अजवाइन मिलाना है। इसको अजवाइन, सेंधा नमक और गेहूं का चोकर, ये तीनों को मिलाकर रोटी बनाइए तो आपको जो है ये जो स्वाद अनुसार डालिए और ये कम से कम 1 से 2 चम्मच इसको डालिए और रोटी बनाइए इसकी, इसको खाइए तो आप इसको रोटी आप दिन में रात में एक एक टाइम एक एक रोटी खाइए तो आपको जो है भूख लगना चालू हो जाएगा। अगला उपाय है दोस्तों सेब। एप्पल के बारे में हम सभी जानते हैं, तो प्रतिदिन 1 एप्पल ज़रूर खाएं। एप्पल खाने से जो है खून भी साफ होता है और भूख भी लगती है, तो एप्पल का सेवन रोज करें। अगला उपाय दोस्तों, 1 गिलास पानी लें, इसमें जीरा डालें। 3 ग्राम जीरा होना चाहिए, ये जीरा है देखिए, ये 3 ग्राम होना चाहिए और हींग होनी चाहिए, हींग डाल दीजिए, ये देखिए हींग और पुदीना, पुदीने का पत्ता होता है वो डालिए और काली मिर्च डालिए। तो सब 3-3 ग्राम होना चाहिए, काली मिर्च, जीरा, हींग, पुदीना, इसको 3-3 ग्राम मिलाकर जो इसका पाउडर बना लीजिए और 1 ग्लास में डालिए और थोड़ा सा नमक डाल दीजिए उसमें। नमक डाल के से लीजिए तो जो है आपको जो भूख नहीं लग रही है उसके बाद जो है आपको भूख लगने लगेगी। इसको 2 टाइम पीजिए, सुबह और शाम 2 टाइम पीजिए, खाली पेट पीजिए। तो दोस्तों अगला उपाय है अजवाइन। हाँ दोस्तों, अजवाइन जो है, अजवाइन को क्या करना है आपको, अजवाइन और काला नमक, इसको जो है आपको गर्म पानी के साथ सेवन करना है। तो गर्म पानी कीजिए, इसमें अजवाइन डालिए और जो है ये काला नमक डालिए और इसको जो है लें, इन दोनों को पीस के गर्म पानी के साथ ले लें डायरेक्ट। तो सुबह और शाम 2 टाइम लेना है प्रतिदिन। हाँ दोस्तों अगला उपाय है, प्रतिदिन मेथी होती है, मेथी से ही जो है अपने दाल को छौंक लगाइए, सब्जी को छौंक लगाइए, तो इससे भी आपकी जो भूख जो है वो बढ़ने लगेगी। अगला उपाय दोस्तों, नींबू। हाँ दोस्तों, नींबू को काट कर सेंधे नमक इसमें डालें और खाएं। इसको सुबह शाम आपको खाना है तो इससे जो आपकी पाचन क्रिया ठीक हो जाएगी। तो दोस्तों ये जानकारी आप लोगों को जरूर अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ अपने मित्र प्रदीप कुमार बांगड़े को इस कार्यक्रम से जाने की इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।